Hey guys, welcome back to my channel Jewelry and Beauty Time. मैं प्रियंका मिश्रा, मैं आज अगर आप लोगों से एक वीडियो शेयर करने आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल जरूर होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वेलरी के बारे में। और ये ज्वेलरी आप जानते हैं कि हम वुमेन्स की सबसे फेवरेट चीज होती है। अगर आपने कोई भी अगर आउटफिट डाल रखा है, आपने कोई भी ड्रेस वेयर कर रखा है, तो उसके साथ अगर आप ज्वेलरी नहीं पहनते हो ना, तो कुछ उदास उदास सुना सुना कुछ खाली खालीपन सा महसूस होता है। और ये खालीपन हमारा क्या पूरा करते हैं? ज्वेलरी पूरी करती है हमारी। तो मैं आपसे ऐसी ज्वेलरी कुछ शेयर करने के लिए आई हूँ इस वीडियो में, जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। और हमारे साथ एक और प्रॉब्लम होती है ना, कि अगर हमने किसी ज्वेलरी को एक बार पहन लिया, दो बार पहन लिया, तो फिर उसको रिपीट करने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। वो मुझे भी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वुमेन्स ऐसा चाहती है कि कोई ऐसी ज्वेलरी लें हम लोग जो कभी भी आउट ऑफ फैशन ना हो, ऑलवेज ट्रेंडिंग में रहे, हमेशा ट्रेंडिंग में रहे। तो मैं आज आप लोगों से इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ, और ऐसी ही ज्वेलरी लेकर आई हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए, कि जिसका अगर आप एक दो पेयर ले लेते हैं, एक दो पीस अगर आप ले लेते हैं, तो उसको आप किसी भी ड्रेस के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। जैसे अगर आपने लहंगा पहना है तो भी वो ज्वेलरी अच्छी लगेगी, फ्रॉक सूट पहना है आपने, अनारकली पहना है आपने, इनफैक्ट आपने साड़ी भी पहनी है, तो भी ये ज्वेलरी काफी गुड लुकिंग होता है। तो चलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। लेंस तो है क्या, चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों से। तो ज्वेलरी है वो, सबसे पहले मैं इयरिंग की बात कर लेते हैं। तो इयरिंग में ये इयरिंग है चांद वाली, इसे चांद वाली कहते हैं, जो शेप होती है इसको चांद वाली इयरिंग कहते हैं। और ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, हमेशा ऑलवेज ट्रेंडी रहता है और देखने में ऑसम लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। अगर आपने अनारकली वेयर किया है तो आप सिर्फ इयरिंग भी पहन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हैवी लुक देता है। सिर्फ इयरिंग पहन लेना ही आपके लिए काफी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी लुक ना हो, बहुत ज्यादा मतलब ज्वेलरी ज्वेलरी बहुत ज्यादा ना दिखे, सिंपल लुक लेना चाहते हैं, तो उसमें आप सिर्फ इयरिंग वेयर कर सकते हैं, और क्योंकि हैवी लुक में होता है। और ये साड़ी फ्रॉक सूट किसी भी आउटफिट पे चल जाता है और अच्छा भी लगता है, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। चलिए मैं बताती हूँ, ये इसका दूसरा पेयर है, इसका मैचिंग दूसरा है ये इयरिंग। और मुझे मेरी ये इयरिंग बहुत पसंद है। इसके साथ क्या मिल जाता है वो भी आपको दिखाती हूँ। इसके साथ हमें मिल रहा है ये मांग टीका, ये मांग टीका है इसका। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आपको बताऊं, अगर आपने कोई भी साड़ी पहन रखी है, सपोज करिए कि आप बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी अगर नहीं पहनना चाहते हैं, और आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसी ज्वेलरी पहने जो देखने में भी अच्छा लगे और ये ना लगे कि बहुत हैवी है, ये भी ना लगे कि हमने कुछ अच्छा पहना ही नहीं, तो इस तरह की ज्वेलरी अगर आप पहनना चाहते हैं, तो अगर आप इस मांग टीका के साथ ऐसी चांद बाली वाली इयरिंग अगर पहन लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं इसके साथ मुझे क्या मिला है। मुझे इसके साथ ये चेन मिली है लंबी सी, और इसके साथ ये लॉकेट है, कितना ऑसम है। अगर आप तीनों को पहन लेते हैं तो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे। तो इसका मैंने क्या हुआ, जब मैंने इस ज्वेलरी को लिया था ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका एक और पहन ले लिया है, एक और ही एक इसमें का मिलता जुलता डिजाइन मैंने ले लिया है। तो चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों से। तो ये है दूसरा वाला जो मैंने सेट लिया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसके दो दो सेट ले लिए, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर आप सिर्फ मांग टीका और सिर्फ ये इयरिंग भी अगर पहन लेते हैं, इसको अगर नहीं भी पहनते हैं सेट को चैन को, तो भी बहुत अच्छा लगता है। और फुल्का सा पहनना है तो सिर्फ आप इयरिंग वेयर कर लीजिए, क्योंकि हैवी लुक में है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मांग टीका के साथ अगर वेयर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लुक चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस सेट में अगर आप चाहें तो कई तरह का लुक दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बता दिया, इसको पहनने के तरीके मैंने आपको तीन तरीके बता दिए। तो पहला तरीका क्या मैंने आपको बताया, सिर्फ आप इयरिंग पहनना चाहते हैं तो सिर्फ इयरिंग पहन के आप अच्छा सा लुक, सिंपल सोवर एंड ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। और अगर इसको मांगटीके के साथ वेयर कर लेते हैं लहंगे पे, तो भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप पूरा फुल ज्वेलरी के लुक में रहना चाहते हैं, तो आप इसको पूरा सेट भी वेयर कर सकते हैं, इयरिंग मांगटीका और सेट के साथ। एक ये डिजाइन है, मैं आप लोग उसके लिए कर देना चाहती हूँ। और दूसरा ये डिजाइन है चांद वाली शेप में, देखिए कलर स्टोन का कलर सेम है बट डिजाइन अलग अलग है। ये चांद वाली शेप में है, और ये चांद वाली, इसका इयरिंग चांद वाली शेप में नहीं है और इसका इयरिंग चांद वाली शेप में है। मुझे यही डिफरेंस दोनों में अच्छा लगा। और इस टाइप की ज्वेलरी होती है वो किसी भी ड्रेस के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ये कॉपर कलर में, या फिर कह सकते हैं, या फिर गोल्डन स्टोन में कह सकते हैं, स्टोन लगे हुए हैं इसमें। तो ऐसे गोल्डन स्टोन में जो इयरिंग्स होते हैं या फिर ज्वेलरी होती है, वो आप किसी भी ड्रेस के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं और अच्छा लगता है। तो मेरे ये सेट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।